हमीरपुर जनपद के धनोरा गांव में दीपावली की खरीददारी करने गई छात्रा का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच है। बात देखी आज सुबह सैकड़ों ग्रामीणों ने छात्रा का शव रखकर राठ हमीरपुर मार्ग पूरी तरह जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि उनकी लड़की की हत्या कर शव को फेंका गया है। सीधे घटनास्थल से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। सड़क है जहाँ पे राठ और हमीरपुर मार्ग है, यहाँ पे तकरीबन 50 से 40 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की गाड़ियों के साथ साथ हजारों वाहनों का आगमन इस रोड से होता है। जी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सौ छात्रा का शव मिलने से यहाँ पर सनसनी मच गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर इस रोड को जाम कर दिया। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर क्या नाम है आपका? तो आप यहाँ पर रोड पर क्यों बैठे हुए हैं? तो यहाँ पर कहा जा सकता है, लोगों का साफ साफ कहना है कि यहाँ पर न्याय की गुहार लगाए हुए लोग बैठे हैं। और भी मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सालेग्राम है जी, मैं लड़की का चाचा हूँ जी। तो आप यहाँ पर रोड पर जाम किए हैं क्यों? सर न्याय मिलना चाहिए हमें, हमारी लड़की का मॉडल हुआ है, पुलिस दिखा रही है कि मतलब एक्सीडेंट केस है, लेकिन लड़की का बुरी तरह से हालत गंभीर है उसकी, मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिजन समेत ग्रामीण काफी आक्रोश में देखे हुए नजर आ रहे हैं। और भैया जो है जिसने दिया है एप्लीकेशन उसको रिसीव कराई जाती है, लिखा पढ़ी में रिसीव होती है। अब आप अपनी बात कहेंगे कि यहीं आ जाइए तो अब आजकल कंप्यूटर घंटे के अंदर अरे भाई 24 घंटे नहीं, आप 4 घंटे खोजेंगे तो नहीं होगा ना। आपको पहले आप FIR मांग रहे हैं, अब मुझे मांग रहे हैं भैया। आप एक गलत बात कर रही है कि भाई हम चाहे आगे निकाल दें, फलाना कर दें, आगे नहीं आप करा देंगे तो फिर आपको मैं लिखूंगा। भैया सुनो मेरी बात, गुंडों पे नहीं मिलेंगे वो पूरी। अब ये बताओ कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपके साथ जो पीड़ा है, जो घटना घटी, हम भी आपके साथ उसी तरह से हम भी दुखी हैं, हम कोई सुखी थोड़े हैं। अब हमारा जो है विश्वास करिए, कुछ बात के अंदर बहुत क्राइम हो रहा है, बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है भाई। देखिए इस पंच उसको इस सरकार में बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है, क्राइम भी हो रहा है तो उसका खुलासा भी हो रहा है भैया, कर रहे हो रहा है। योगी जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जाम लग गया। अरे भाई यहाँ जो करना इससे कोई लाभ है तुम्हारा इस बात को? ये बताओ आप तुरंत आइए, आप गारंटी दान संस्कार कर देंगे फिर कोई कार्रवाई होगी। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ, ग्राम धनोरा का। हमारे गांव की भी ये बहन है, बेटी है, इसके साथ जो कुछ भी हुआ दर्दनाक हादसा है, इसके लिए कानून सख्त तरीके से कार्रवाई करे और हमारा प्रशासन DM और केंद्र मुख्यमंत्री ये सभी लोग हमारी समस्या का समाधान करें। तो यहाँ पर आप अभी रोड जाम किए हैं किस लिए? इसलिए जब तक हमारा कुछ यहाँ न्याय का संविधान नहीं हो सकता, जब तक हम कैसे इसे प्रूफ दिखाएं कि हमारे पास कोई सबूत है कि मतलब FIR दर्ज नहीं की। मेरा नाम सालेग्राम मिश्रा, रूपा मिश्रा मेरी भतीजी है, उसके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है। कल हमने FIR दर्ज की, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, ना मुकदमा दर्ज किया है और एक्सीडेंट केस में वो दिखा रही है। हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। इसका मर्डर हुआ।